स्वाति, गुड मॉर्निंग. आपने क्या स्पॉट किया? आप क्या ट्रेड लेंगी? यस, डेफिनेटली मार्केट में लिटिल बिट करेक्शन हमें देखने मिल रहा है, बट मुझे लगता है शॉर्ट लिव्ड रहेगा ये करेक्शन. ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स मार्केट है, स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है. ऐसे मार्केट में भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक्स में काफी अच्छी मोमेंटम रैली देखने मिल रही है, तो आई बिलीव कि मैं लॉन्ग साइड ही रहूंगी. आज के लिए मैं दो बाय कॉल लेके आई हूँ. फर्स्ट पिक भी ऑन फिन पाइप, फिनोलेक्स पाइप, करंट लेवल पे 170 के आसपास चल रहा है. हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन में डेली चार्ट में हर्षदा जी हमने देखा है कि इसने फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है वॉल्यूम्स के साथ. मुझे लगता है इसमें काफी पोटेंशियल है अपसाइड में 180-185 के लेवल्स टेस्ट करने के. तो फिन पाइप करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, 165 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 180. सेकेंड बाय कॉल मेरा एफएसएल पे है. एफएसएल का अगर आप चार्ट देखें तो ऑलमोस्ट फ्रॉम जनवरी से ये कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में चला था, सेलिंग प्रेशर में था. अभी ये फ्राइडे हम लोग ने देखा कि इसने 200 डीएमए के ऊपर आ चुका है एंड वेल प्लेस्ड है ऑन द क्लोजिंग बेसिस. आज भी साइडवेज मोमेंटम में है, ज्यादा मेजर हमें फिलहाल तो अभी लॉन्ग बिल्डअप नहीं देख रहा है, बट आई बिलीव इसमें भी काफी क्षमता है कि ये अपसाइड में हमें अच्छी खासी रैली देखने मिल सकती है जो कि काउंटर को लेके जा सकते हैं 125-130 के आसपास तक. तो एफएसएल करंट लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है, तो करंट लेवल पे बाय कीजिएगा. 113 के आसपास चल रहा है, 125 के टारगेट्स में देती हूँ. स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा 110 का. ओके, फर्स्ट सोर्स में बाय करिए. चलिए, बहती जी से भी कॉल ले लेते हैं और उसके बाद उनको शुक्रिया भी बोलना है. बहती जी, बताइए इस समय क्या आपकी फ्रेश कॉल. जी, टाटा मोटर्स में जिस हिसाब से क्रैकडाउन है और पिछले 3 दिनों से एक अच्छा सेलिंग देखने मिल रहा है, लोअर लोस कंटिन्यूअसली स्टॉक बनाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स में करंट लेवल पे सेलिंग एक अच्छा विकल्प है. 434 का एक एसएल मेंटेन करे. स्टॉक अपने 20 DEMA के पास है. अगर ये ब्रीच होता है तो इसमें और अच्छी खासी प्रेशर देखने मिल सकता है, तो 420 का टारगेट के लिए दिवाली की सलाह रहेगी. सेकेंड कॉल टाटा केमिकल में ही है. इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी. हमें लगता है कि इसमें एक तेजी की तरफ पोजीशन बनाए रखना चाहिए. 1030 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे. मुझे लगता है कि इसमें भी 1100 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं. तो टाटा केमिकल जो आपने सुबह में सुझाया था, 1100 के टारगेट को आप रिटरेट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इस समय टाटा मोटर्स पर इनकी नजरें गई. जो नया ट्रेड आया है वो इस समय टाटा मोटर्स में है, वो लेकर आइएगा लेवल्स. देखिए, एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है, 1.5% नीचे वो काउंटर, और यहाँ पर कुछ और दबाव देखने को मिल सकता है. इनफैक्ट टाटा मोटर्स ही नहीं, कुछ और स्टॉक्स जो बाजार को इस समय नीचे खींच रहे हैं उसकी बात कर ली जाए. एक तो डीवीज लैब जो एक ग्रॉस अंडर परफॉर्मर के तौर पर साबित हुआ है, डॉक्टर रेड्डीज में भी मुनाफा वसूली, सिप्ला में भी बिकवाली का दबाव देखने को मिला है. बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है. यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें.